अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, आज आपका लेसन नंबर सिक्स हम स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नेम है टेस्ट्स एंड एग्ज़ाम्स। टेस्ट उर्दू में कहते हैं पर्चों को एंड एग्ज़ाम्स कहते हैं आपके इम्तिहानात को। तो इसकी हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर वन इधर मेंशन है, वो देखें। टेस्ट्स कैन रियली हेल्प टू नो वेयर यू आर एंड व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव। वो कहते हैं टेस्ट कैन रियली हेल्प, टेस्ट जो होते हैं पर्चा जात जो आप देते हैं, कैन रियली हेल्प आपकी यकीनन वाकई, रियली कहते हैं यकीनन या वाकई को, हेल्प मदद करना, टू नो ये जानने के लिए, वेयर यू आर के आप कहां पर हैं, एंड व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव और आपको क्या चीज़ मज़ीद बेहतर करने की, इम्प्रूव कहते हैं बेहतर करने को ज़रूरत है। दे लेट यू नो इफ़ You have understood something that you have been learning। वो कहते हैं दे लेट यू नो, वो तुम्हें ये जानने में मदद देते हैं कि आप कुछ समझ चुके हैं। अंडरस्टूड का मतलब समझना, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, अंडरस्टूड समथिंग कुछ दैट यू हैव बीन लर्निंग, तो जिसके बारे में आप पढ़ते रहे हैं। And they also help the teacher to plan what more is needed to be done। और ये उस्ताद को भी, टीचर को, उस्ताद को plan what more is needed is to be done, ये चीज़ समझने में मदद देता है, मंसूबा तैयार करने में मदद देता है, plan करने में। इसके बाद पैराग्राफ नंबर टू करते हैं हम। पैराग्राफ नंबर टू में वो कहता है एग्ज़ाम्स कैन बी रियली स्ट्रेसफुल। कहता है एग्ज़ाम्स जो हैं कैन रियली स्ट्रेसफुल, वाकई तनाव अंगेज़ होते हैं। बिकॉज क्योंकि दे आर समथिंग दैट यू नीड टू पास, क्योंकि ये वो चीज़ें जिसमें आपको पास होने की ज़रूरत होती है, नीड होती है, इफ़ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, अगर आपने अगली सतह या अगली क्लास में मूव करना है। एग्ज़ाम्स आर यूजुअली मोर फॉर्मल, कहता है एग्ज़ाम्स जो होते हैं, इम्तिहानात जो होते हैं, आर यूजुअली आम तौर पर मोर फॉर्मल, रस्मी होते हैं। यू मे टेक एग्ज़ाम्स इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, कहता है यू मे टेक एग्ज़ाम्स, आप इम्तिहानात दे सकते हैं इन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, मुख्तलिफ मज़ामीन में, ई जी फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स, साइंस।